समाजवादी पार्टी के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और गुर्जर समाज के प्रभावशाली नेता भानु प्रताप सिंह गुर्जर ने आज कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को समर्थन दिया और भाजपा प्रत्याशी सहित भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज भिंड में भूता कोठी पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जब से मैंने कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को समर्थन दिया है तब से भाजपा नेताओं के द्वारा मुझे 15 लाख रुपये का प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन मैंने मेहगांव क्षेत्र की जनता की आवाज़ सुनकर कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दिया। तब से मुझे धमकियाँ दी जा रही है, मुझसे कहा जा रहा है कि या तो तुम मुझे समर्थन दो अन्यथा तुम्हें हानि पहुंचाई जा सकती है, अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो भाजपा के नेता और भाजपा प्रत्याशी के समर्थक जिम्मेदार होंगे। मैंने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक से लिखित में सुरक्षा गार्ड की मांग की है, लेकिन अभी तक मुझे सुरक्षा गार्ड मुहैया नहीं कराया गया। इस संबंध में जल्द ही हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। यहाँ बताना चाहेंगे कि समाजवादी प्रत्याशी भानु सिंह को कांग्रेस जिला मंत्री विवेक पचौरी के सहयोग से शामिल कराया है। प्रेस वार्ता के दौरान कुंवर सिद्धार्थ सिंह राजावत, प्रदेश प्रवक्ता मेहगांव मीडिया प्रभारी, जिला प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज, नगर अध्यक्ष संजय भूता, जिला मंत्री विवेक पचौरी और धारा सिंह गुर्जर मौजूद रहे। मैं गुर्जर वंश से हूँ, गुर्जर समाज से हूँ, मेरा समाज भी बहुत कट्टर समाज है, मैं ईंट से ईंट बजाने वाला गुर्जर समाज का लड़का हूँ, बच्चा हूँ। अभी आपने कहा धमकी मिल रही है आपको बीजेपी तरफ, तो क्या आप कांग्रेस में भी सुरक्षित नहीं है तो आप नाम नहीं ले पा रहे हैं उनका? कांग्रेस में भी सुरक्षित नहीं है जो उनका नाम नहीं ले पा रहे? कांग्रेस में सुरक्षित है, कांग्रेस पार्टी हमारी मदद करेगी, पर हम तो खुद उनसे कहना चाह रहे हैं कि वो लोग जो सोच रहे हैं जिस तरीके से हमें प्रलोभन करना चाह रहे थे, तो उनसे मैं धन्यवाद। ये बात जो आप कह रहे हैं, इनके कोई साक्ष्य हैं आपके पास, कोई रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग? वैसे मोबाइल नहीं चलाता हूँ, सिंपल मोबाइल चलाता हूँ। तो इस संबंध में कोई लिखित शिकायत करी है आपने? नहीं, अभी नहीं की, ऐसी जरूरत आगे करेंगे। कल सुबह चुनाव आयोग में और एसपी साहब को कल लिखित में देंगे। लिखित में आप क्या करते हैं? मैं सिद्धार्थ सिंह राजावत हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ और मेहगांव प्रभारी मीडिया कांग्रेस की तरफ से। मैंने पर्चा दाखिल किया है और ये हेमंत कटारे जी के फेवर में इन्होंने अपना समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद इनके पास कई प्रलोभन, कई फोन आए, कई लालच दिया गया इनको, कई प्रकार की धमकियां और डराने के कई प्रयास किए गए। तो आज आपके सामने मैं छोटे से मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं कि अब भानु प्रताप सिंह जी अपनी पूरी आप बीती बयां करेंगे आपके सामने और बताएंगे कि आज इनके संग क्या क्या हुआ है, बताओ भैया। पहले तो मैं मीडिया को, तुम तो अपनी बात में शुरू हो जाओ, बताइए। मेरे साथ में ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से कई नेता लोगों के फोन भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हेमंत कटारे जी का साथ न दें, आप कांग्रेस का साथ न दें, आपको क्या चाहिए, 15-20 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, आप क्यों बैठे, क्यों नहीं बैठे, और आगे आने वाले चुनाव में जब भी कोई चुनाव होगा आपका इससे बहुत बड़ा बदला लेंगे, और जो भी मेरे साथ में घटना होगी उसके लिए मैंने एसपी साहब से भी निवेदन किया था कि मुझे कनर स्वीकृत किया जाए, उन्हें आवेदन मांगा था, तो मैंने उन्हें एसपी साहब को भी कनर का आवेदन दे दिया था, अभी तक उन्होंने भी नहीं हमारी कोई सुनवाई की है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कहीं भी कोई भी बात होती है मेरे साथ में तो इसके लिए बीजेपी पार्टी और बीजेपी के जितने नेता हैं वो लोग जिम्मेदार होंगे और इसका बदला हम जरूर देंगे। भाजपा के किन नेताओं ने आपको फ़ोन किए, किन नेताओं ने प्रलोभन दिए? किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे जी, बहुत लोग हैं जो मेरे टचिंग में थे और मुझे जानते हैं, मैं उन्हें भी जानता हूँ, उन लोगों ने मुझे बराबर। अब आप जब सामने ही आए मीडिया के आरोप लगा रहे हैं तो खुलासा करने में आपको कुछ बातें होती हैं जो डर होता है, उसी के कारण किसी का नाम नहीं ले सकते जी, तो इस कारण से नाम नहीं लूँगा मैं। आप कांग्रेस के पाले में बैठे हैं तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को लाभ पहुँचाने के लिए आप इस तरह का मनगढ़ंत ये बना रहे हों, इसका क्या कोई सबूत है कि आपको धमकियाँ दी गई? बता रहा हूँ कि कांग्रेस को हम कोई प्रलोभन से इससे कोई मतलब नहीं, जनता जनार्दन है, कांग्रेस तो वैसे ही जनता जनार्दन से चुनाव जीत रही है, टिकाऊ और बिकाऊ के बीच का चुनाव है, ये कोई मुद्दा मेरे तरफ से नहीं है। मुझे तो जो बातें बताई जा रही हैं, मेरे मोबाइल से फ़ोन भी आ रहे हैं, जो लोग मुझे चेतावनी देना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों से भी